जींद के अंदर, इस एरिया के अंदर 50-50 साल तक लोग राजनीति करते रहे, केंद्र के अंदर मंत्री बने, और जैसे आपके पास बबली जी मंत्रालय है पंचायती राज का, वैसे देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है ग्रामीण विकास का, है कि नहीं? ग्रामीण विकास का मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो देश के बड़े पदों पर रहे और जींद की राजनीति करते रहे, बांगर की राजनीति करते रहे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने किया क्या? कोई हाथ खड़ा करके बता दे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने नहीं किया। आज वो कहते हैं दुष्यंत इन कंपनी से छुटकारा पाओ। दुष्यंत कौन है? वो एक दुष्यंत नहीं है, आज ये दुष्यंत जो है, हजारों हजारों कार्यकर्ता सोनीपत के आपके सामने बैठे हैं, ये दुष्यंत है। और कंपनी कौन सी है भाई? ये हमारी कंपनी है किसान की, गरीब की और मजदूर की कंपनी। भाई इससे कोई छुटकारा पाना चाहता है क्या? बता दो, इस कंपनी से कोई छुटकारा नहीं है, तो किसान और गरीब की कंपनी है भाई। ये चौधरी देवीलाल की कंपनी है, ये कमेरे की कंपनी है, ये दलित की कंपनी है, ये शोषित की कंपनी है। तो दुष्यंत और कंपनी, दुष्यंत एंड कंपनी का 2024 की ओर जो निशाना है वो बांध लिया। मीडिया के लोगों को कहूंगा, वो समादूर नहीं, अक्टूबर के अंदर जब अगले वर्ष चुनाव होंगे और चंडीगढ़ के अंदर जब शपथ होगी, तो भाई दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। उस ओर हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने अपना मन बना लिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।